सुकमा में पुलिस ने दो नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। उनमें से एक नक्सली पर 5 लाख का इनाम घोषित है। मौके से हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में लॉकडाउन के बीच डीआरजी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना के आधार पर गादीरास थाना क्षेत्र में मानकापाल के पास पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो नक्सली मारे गए। बताया जा रहा है कि पुलिस को नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई के लिए पहुंची पुलिस पर नक्सलियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। गोलीबारी बंद होने के बाद पुलिस टीम ने एरिया सर्चिंग में दो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए। इनमें से एक की पहचान गुंडाधुर के रूप में हुई है, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसके अलावा मालिंगिर एरिया कमेटी का सदस्य आईटी भी इस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। घटना स्थल से 2 पिस्टल और बंदूक बरामद हुई है। आज मॉर्निंग में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी गादीरास थाना क्षेत्र के मनकापाल गांव के पास में। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डीआरजी की टीम को सर्च के लिए रवाना किया गया था। टीम जब गांव के पास जंगल झाड़ी में पहुंची तो नक्सलियों की तरफ से फायरिंग हुई और जवाबी कार्रवाई में हमारे जवानों ने भी फायरिंग की, जिसमें फायरिंग के उपरांत 2 नक्सली डेड बॉडीज की रिकवरी हुई है। साथ में 2 पिस्टल और एक कंट्रीमेट राइफल बरामद हुआ है। जो प्रारंभिक शिनाख्ती है उसके हिसाब से एक नक्सली जो है वो LGS कमांडर गुंडाधुर के रूप में पहचाना गया है। दूसरे का नाम आयतू बताया गया है। उसका प्रोफाइल वो किसी सीनियर कार्डर के साथ में सुरक्षा में तैनात था, ऐसा पता चला है। विस्तृत जानकारी जैसे टीमें अभी लौटेंगी और सरेंडर कार्डर से पता करके और विस्तृत जानकारी दी जाएगी। मुठभेड़ अभी जारी है सर? मुठभेड़ खत्म हो गई है, पर पार्टियां अभी कैंप वापस नहीं लौटी हैं। पार्टियां अभी रास्ते में हैं, जैसे लौटती हैं तो फिर और जानकारी दी जाएगी। और ज़्यादा कुछ नक्सलियों को मारने की कोई सूचना सर? उम्मीद तो है, क्योंकि जिस तरीके की बरामदगी हुई है ऐसा लगता है कि कुछ और नक्सलियों को गोली लगी होगी। आगे जो भी क्षेत्र में हमारे मुखबिर वगैरह हैं उनसे पता किया जाएगा कि और क्या नुकसान हुआ नक्सलियों का। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।